कुछ कर लिया, बट मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा। मेरी मम्मी बैठी हुई थी मेरी वीडियो बनाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज नारी फ्रॉम देहरादून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू, आपको और आपके परिवार को हैप्पी दीपावली। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं नीचे जाके क्या क्या करने वाली हूँ। तो मैं काफ़ी कुछ सामान लेकर आई थी नीचे, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने घर को सजा लेते हैं, देन उसके बाद फिर अपने आप को भी सजाएंगे। तो मैं अभी छत में आ रही हूँ अपने बाल बाल सुखाने के लिए, तो मेरे बाल तो सूख चुके हैं। अब मैं सोच रही नीचे चलती हूँ और तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी ऐसी आप लोग ब्लॉग देखते रहिए और मजे करते रहिए, और आप लोगों को अगर ऐसी ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलते हैं नीचे, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज, आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हमने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, बट मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मम्मी ने एप्पल लाए हैं और कैसे लाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्पल से शुरू करते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ओके। ब्लॉग में ऐसी बने रही। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को एप्पल दिखाती हूँ जो मम्मी ने चिपका दिए हैं, ठीक है, ये रहे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एप्पल कैसे लगे, ठीक है। इसका प्राइस मुझे पता नहीं है क्योंकि ये मम्मी लेने गई थी सामान, ठीक है, ये मैं लेने बिल्कुल नहीं गई थी। तो मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ जो मैं लेने गई थी। तो चलिए फिर, आप लोग ये तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसमें हैं गोल तकिया के कवर। तो आप लोग देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे लग रहे हैं, इस पर मैच कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखो पीछे की तो यही वाली, इसे शायद दन बोलते हैं, जो मतलब बेड में बिछती है, हाँ। तो इसको बिछाना है, पता नहीं मैच कर रहा है कि नहीं। और ये रहे जो ये गोल, ये जो तकिया है ना, इनके कवर हैं। चलिए फिर फिलहाल इन्हें डाल लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि इन्हें कैसे डाल। मैं सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर वहाँ करना पड़े, तो इसीलिए खुद ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो जो अपने घर में ऐसे काम करता होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो फिलहाल अभी इन तकियों को ना संभाल के भी रख देते हैं, कवर को। और ये जो तकिया है ये कवर है, और इसके ऊपर से ही हमने ये डाला था क्योंकि वो मैच हो रहा था ना उससे। तो आज हम बिछाते हैं नए कवर और आप लोग मुझे बस देखते रहिए, ओके। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मम्मी ने तो कवर ही चेंज कर दिए, दिस इज नॉट फेयर मम्मा। तो इनके कवर ना दूसरे है गाइस, मैं ना दूसरे बिछाऊंगी तब जाके मैं इनको लगाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी कवर निकाल लेते हैं, कवर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज गुन्नू कहाँ है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, गुन्नू चला गया अपने गाँव। तो दिवाली के टाइम पे वो पिछली बार भी अपने गांव में ही था और इस बार भी वो अपने गांव में ही है। तो मैंने गुन्नू को बोला था गुन्नू मत जा दिवाली में, बट अब क्या कर सकते हैं, उनकी भी गांव में मतलब शादी वगैरह थी तो वो लोग निकल गए, ठीक है। तो अब इस बार तो मैं अकेली हूँ एकदम पटाखे फोड़ने के लिए, तो मैं अकेले ही फोड़ूंगी। अगर मेरी पास की फ्रेंड आ गई तो ठीक है, वरना तो अकेले ही फोड़ना पड़ेगा। देखते लोगों को सामान दिखाती हूँ, ये लेकर आई हूँ मैं विरासत से। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है। तो मैं इसे रखूँगी यहाँ पर और रात को इसे जलाएंगी। ये रही लड़ियाँ, और एक लड़ी है ये वाली, ठीक है, और बाकी एक स्टार वाली लड़ी भी ला रखी है, तो उसको भी सेट करना है। तो अभी करती हूँ मैं इसे सेट, और ये भी ओ शिट। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर पूरा रूम कैसा लगता है, ठीक है। तो ये वाली लड़ी तो आपने देखी होगी, स्टार वाली, और मेरा भाई ये भी लेकर आया है। दो मिनट में उसे दिखाती हूँ, ऐसे जलती है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह नहीं खाया। तो ये रही पालक की सब्जी, और ये रहा चावल, और ये रहा मम्मी ने मिक्स दाल बनाई है। तो फटाफट से खाना खा लेते हैं, देन उसके बाद काम वाम करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए फिर ब्लॉग में और मुझे खाना खाने दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज मैंने ये भी इसमें और क्या क्या सजाने वाली हूँ,
और ये देखिए फ्लावर पॉट, और एक ये इसके ऊपर मैंने ये स्पार्कल वाले लगा दिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसे लगे। और दिवाली में मुझे सजावट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी भी चल ही रही है फिलहाल, आप लोग देख सकते हैं पूरा कैसे लग रहा है। एक इधर पे लगा देती हूँ और एक इधर पे। ठीक है, दरवाजा बंद करना ज़रूरी है क्या? हाँ तो ये पकड़ो यार। तो गाइस प्रज्ञा आ चुकी है, ठीक है, ये हेलो कर रही है अभी। तो आप लोग इसके कारनामे देखिए कि ये सोन पापड़ी लाई है मैंने। और आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल सोन पापड़ी कितनी बैन हो चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें सच में ही सोन पापड़ी है। फीलिंग आ रही पूरी की पूरी। आउच, इतनी बुरी ना हूं मैं। आउच, हाथ में लग गई, हाथ मटक गया इसका। गाइस इसका हाथ मटक गया, आराम से ला दे हाथ में नखून। बहुत जोर की लग गया। यूवी ने ब्लॉग बंद करके उसे हाथ को बंद हो, लेकिन नहीं, एक हाथ से उसको ब्लॉग चलना चाहिए और एक हाथ में वो झटका रही है। अरे माँ बहुत जोर की लग गई यार। ओ, इसी में हो रहा है यार दर्द बहुत भयंकर। आज तो नेल आर्ट भी नहीं करी थी उससे पहले। कैसी लग रही? बाकी देख सकते हैं मेरे उंगली पे लग चुकी है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कपड़े फोल्ड कर दिए सारे, कैसे करके कराया तो यहाँ पे लड़ियाँ लग रही है, पता नहीं कैसे लगाया, पता नहीं गैप क्यों दिया इतना ज्यादा, इतनी सारी लड़ियाँ वो कैसे लगाओगे फिर। इतना गैप नहीं देना। तो गाइज अभी फिलहाल मैं नेल आर्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं नेल आर्ट का सामान भी लेकर आई हूँ। ये है 270 का, ओके। वैसे उसने 380 बोला, सॉरी 300 बोला, बट मैं लेकर आई 270 में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, ओके। तो फिलहाल अभी मैं अंधेरे में ही काम कर रही हूँ, क्योंकि ना वीडियो अच्छी बनेगी और आप लोग सोचोगे टेप क्या लग गया। तो मेरे हाथ में ना लग चुकी है, अभी इस टेप को हटाती हूँ, देन उसके बाद दिवाली का नेल आर्ट करती हूँ, ओके। गाइस एक हाथ का तो हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी नेल आर्ट कैसी लगी। तो ये रहा तामझाम पूरा, ठीक है। तो इसके पीछे की भी मेहनत देख लेना। मेरी मम्मी बैठी हुई थी मेरी वीडियो बनाने के लिए, मम्मी के पैरों में दर्द हो गया था, है ना मम्मा? काफी ज्यादा मेहनत है ना इसमें नेल आर्ट में। अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं दूसरे हाथ में कैसे बनाऊं। ऊपर से आज मैंने अपना नाखून भी तुड़वा लिया। तो ये जो बीच के नेल्स हैं उसमें बनाया मैंने दिया, और जो साइड साइड के नेल्स हैं, ये मत समझना कि ये शक्तिमान का कोई वो है साइन। तो ये जो साइड साइड के ये हैं क्रैकर, ठीक है। तो क्रैकर जलते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं ना। तो चलिए फिर इसे नेल आर्ट बाय नारी में डाल देते हैं, ठीक है। और वहाँ जाके भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझ में बस यही टैलेंट है, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे काफ़ी अच्छा बनाया मैंने, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने कुछ ट्राई करा है। तो चलिए फिर। तो गाइज अभी यहाँ पर हम प्रज्ञा का गिफ्ट खोल रहे हैं, देखते हैं पता नहीं क्या है इसमें। अरे फोन नहीं आ रहा, उसने सुन लिया मम्मा। फिर आना क्या है? मैं लाना है। हमें कुछ नहीं रे पापा। खाएंगे फिर क्या होगा? हाँ लिया कर रहे हैं। तो देखिए गाइस ये रही हमारी छत की लाइटें, ठीक है। तो हमारी लगी हुई है बस, बाकी गुन्नू और है नहीं, ये भी शायद नहीं है, और ये हैं बट इन्होंने नहीं लगाई है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी मेरी फ्रेंड की वहाँ है, मैं कल वहीं जाऊँगी, ओके। तो गाइज आज मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, जो सुबह पहना था वही पहना हुआ है अभी तक भी। तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को बाय बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतना काम करा मैंने, आप लोगों को दिखाया ही है कि मैंने कितना ज़्यादा करा, लड़ियाँ भी लगाई, बहुत चीज़ें करी, ठीक है।
तो फिर अभी फिलहाल यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।